सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। सो भाई, ये है XUV700 नेपाली ब्लैक कलर AX7L एडिशन। सो वी आर इन द इंटीरियर राइट नाउ। सो भाई, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ सबसे पहले। सो लुक एट दिस, अंदर से इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम एज यूजुअल जो गाड़ी पहले थी वही अभी भी है, सेम फीचर्स वही हैं जो पहले आ रहे थे X7L में, नथिंग मच डिफरेंस एक्सेप्ट द एक्सटीरियर जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ बाहर जाके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं दोबारा से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ जिन्होंने अभी तक XUV700 की वीडियोस नहीं देखी हैं, जो भी ज़्यादा नहीं जानते तो मैं उनको बता दूँ। सो हेयर वी गेट द डी सेक्शन स्टीयरिंग व्हील विद द क्रोम एक्सेंट्स। इसके अलावा हमें राइट साइड पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ऑन द लेफ्ट साइड वी गॉट द मीडिया कंट्रोल्स। इसके अलावा भाई, गाड़ी में 7 एयरबैग्स आते हैं विच इज़ द बेस्ट इन क्लास। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है इस गाड़ी की। सो अगर आपको गाड़ी भाई ये पसंद आई है या आप इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा फेवरेट करते हैं तो भाई इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स ऑन एवरी कार। इसके अलावा भाई, हम लगातार वीडियोस ला रहे हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की, और मैं आज महिंद्रा की 3-4 गाड़ियों का शूट करने वाला हूँ। सो वीडियोज़ भी लूप में हैं और इसके बाद में वो अपडेट करूँगा। सो हियर वी गो। इसके अलावा भाई, आपको पूरा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम डिजिटल मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लाइक दी ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, नेविगेशन आपकी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। और वन मोर थिंग, ये हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जिस वजह से यहाँ पे ये पी बना हुआ रहा है, विच मीन्स इट इज़ इन पार्किंग। ये सारी व्हीकल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये सारी फ्यूल इन्फो है हमारी, और आप ही नीचे सारे जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह की आप ये सिंबल्स देख सकते हैं। ये हमारे एडास के फीचर्स हैं सब कुछ। तो गाड़ी में काफ़ी फीचर्स हैं और मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरी एक कनेक्टेड सिस्टम है, लाइक दी मर्सिडीज बेंज, जो कि मर्सिडीज बेंज का लेआउट आता है डिस्प्ले का, उसी हिसाब से इसमें सेम सब कुछ दिया गया है। और गाड़ी में 12 स्पीकर सोने का साउंड सिस्टम आता है विच इज़ बेस्ट इन क्लास, और मैं इसकी साउंड सुन चुका हूँ और अभी मैं इसमें छोटी सी क्लिप भी डाल दूंगा, यू कैन ऑल्सो चेकआउट। और आपको गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और साथ में आपको 360 कैमरा मिलता है। हियर इट इज़, आप देख सकते हैं दी क्वालिटी, इट्स नाइस। और ड्राइवर मोड्स मिल जाते हैं आपको, जो कि आप एक सेकंड में से बंद कर देता हूँ। ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं आपको, जिप जब जूम, और एक कस्टम मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसको मतलब कर सकते हैं। ये स्मार्ट एयर फिल्टर मिल जाता है आपको, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा आपका एसी के कंट्रोल्स आ गए, इसमें स्मार्ट एयर फिल्टर भी आता है, और यहाँ पे आपको एसी वेंट्स पे क्रोम फिनिश मिल जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, इधर एक अच्छा खासा डीप ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। आई थिंक ये कूल नहीं है बट इसमें लाइट है। और पूरा जो ये आपका डैशबोर्ड है विच इज़ इन सॉफ्ट टच, ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है। एक चीज़ जो मुझे अभी तक इसमें कमी लगती है गाड़ी में, कि इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिरर देना चाहिए था विच इज़ इन दी XUV300 जो कि मेरी गाड़ी में भी है, और ये तो उससे एक क्लास अपार्ट गाड़ी है, तो इसमें भी देना चाहिए था बट इसमें नहीं है अभी तक। आई थिंक मुझे लगता था कि महिंद्रा नेपाली एडिशन में इलेक्ट्रिक टेलगेट और ये बाकी सब चीज़ें दे देगी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वाइजर दिखा देता हूँ मैं आपको, वाइजर की क्वालिटी काफ़ी सही है, काफ़ी स्टडी हैं ये वाइजर्स। सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको, एलईडी लैंप्स मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप्स, एसओएस बटन मिल जाता है आपको, सनरूफ मिल जाता है। और इधर का वाइजर मैं दिखा दूँ आपको, पैसेंजर साइड का, इसमें आपको लाइट भी मिल जाती है, एक ये 12 स्पीकर सिस्टम, सेम लेदर सीट्स हैं, नाइस एंड कम्फी। इसके बाद आपको यहाँ बीच में एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें कभी स्विचेस भी हैं, तो कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको, ये पूरा डायल सिस्टम मिल जाता है जिसकी वजह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम्स वगैरह, होम पे जा सकते हैं आप इधर से, और म्यूज़िक का SRC वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चल रहा है इसमें। और ये है गाड़ी की कुछ ऐसी, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक आ गया, ये ऑटो होल्ड फंक्शन आ गया। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो आपको दो USB पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक कभी स्पेस मिल जाएगा मोबाइल वगैरह रखने के लिए, और आई थिंक ये आपका फास्ट चार्जिंग है, आई थिंक सो, यस इट इज़ फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग मिलती है आपको। और आर्मरेस्ट यहाँ स्लाइडिंग भी है, पीछे भी आपको दो AC के वेंट्स मिलते हैं, ठीक है। सो और जो मैं आ जाऊँ आप ड्राइवर पैनल की तरफ डोर साइड पर, तो इधर आपको सारी जो ये फिनिश है ये पूरी ग्लॉसी ब्लैक में आएगी, और इधर आपको डोर से कंट्रोल्स मिल जाएंगे सेंटर लॉकिंग के, ये चाइल्ड लॉक मिल जाएगा, ये हमारे ORVM के कंट्रोल्स हैं, एंड ये फोल्डेबल के कंट्रोल्स हैं कि ये फोल्डेबल हो सकता है यानी लाइक दिस। और पूरा हमारा एक क्रोम ट्रीटमेंट में आता है ग्रैब हैंडल। इसके अलावा भाई आपको यहाँ पे मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं विद मेमोरी फंक्शन, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल हैं पूरी की पूरी, आप इसको रिक्लाइन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
आपको हेड एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती हैं। सो काफ़ी फीचर्स हैं गाड़ी में। आपको ये दिखा दूँ, आपको इसमें ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, इधर आपको ऑटो वाइपर्स मिलते हैं। सो काफ़ी हेफ्टी फीचर्स हैं गाड़ी में। और आपको पेडल्स दिखा दूँ, एक डेड पेडल भी मिलता है आपको, विच इज़ नाइस एंड कम्फी, काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है आज के दिनों में, ये काफ़ी गाड़ियों में नहीं आता है, बट महिंद्रा ने इसमें दिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स गो बैक एट द बैक सीट और इसे हम कर देते हैं क्लोज। और देखते हैं, जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ तो ये सीट साहब पीछे आ गई है, मेमोरी सीट फंक्शन की वजह से। सो दिस इज द बैक लुक, ये पूरा हमारा ड्राइवर पैनल है, इधर से आप पूरा लेआउट देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा सनरूफ है इस गाड़ी में, ये आपका टाइप सी एक पोर्ट आ जाता है, और एक यहाँ पे छोटा सा कभी स्पेस आ जाता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। और बाकी यहाँ पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके अलावा सीट्स आपकी 60-40 फोल्डेबल हैं, यहाँ पे एक आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, एंड गाड़ी में सीट्स सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी, थाई सपोर्ट भी यहाँ पे अच्छा खासा है। पीछे का लुक भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी में। सो बाहर चलते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वन टच फोल्ड है, ये पूरी की पूरी सीट ऐसे वन टच में आ जाती है, और आपको पीछे स्पेस मिल जाता है काफ़ी अच्छा खासा। आप चाहे तो उसे फोल्ड करके बुड स्पेस बना सकते हैं, या फिर पीछे बच्चे वगैरह को बिठा सकते हैं। इधर आपको एसी वेंट मिल जाएगा, और आपको ये एक बोटल होल्डर मिल जाएगा, कप होल्डर भी जिसे आप कह सकते हैं। पीछे भी आपको स्पीकर मिल जाएंगे, क्योंकि 12 सिस्टम स्पीकर आता है इसमें। क्लोज कर देते हैं गाड़ी को। सो गाइज अब बात करते हैं फ्रंट एंड की। सो फ्रंट में आपको पूरा प्रॉपर ब्लैक लुक मिलता है एक्सटीरियर में, जो कि अब ये स्पेशल एडिशन में आ रहा है। सो पूरा सब कुछ डीक्रोम कर दिया गया है कंपनी के द्वारा, बट जो डीक्रोम नहीं किया गया है वो इसका महिंद्रा का लोगो, अगर वो कर देती कंपनी तो काफ़ी अच्छा गाड़ी का लुक हो जाता। बाकी पूरी ग्रिल सब कुछ ब्लैकआउट कर दिया गया है। LEDs आपको पूरी हेडलैम्प्स के अंदर मिलती है, जैसे पहले आ रही थी। पूरा हेडलैम्प का सेटअप जो है वही सेम एज यूजुअल पुराना वाला है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। और नीचे आपको कॉर्निंग फंक्शन वाले LED फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। बाकी आगे आपको ADAS का फंक्शंस मिल जाते हैं, सारे सेंसर्स वगैरह सब उसके आगे हैं। बात करते हैं साइड लुक की, तो इसमें आपको टायर्स वही R18 मिलते हैं, बट जो इसके अलॉय व्हील्स थे उनको पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। हालांकि इसमें जो एक दिक्कत है गाड़ी में मुझे लगती है, जो कंपनी के द्वारा नहीं दी गई है, वो इसके रेड ब्रेक कैलिपर्स, जैसे कि बाकी गाड़ियों में आ रहे हैं कंपनी के जरिए, कंपनी उसको पूरा ब्लैकआउट करके टायर्स को, रिम्स को, और बाकी इसमें रेड ब्लैक कैलिपर्स दे देती है, बट इसमें नहीं दिए गए हैं रियर में भी और फ्रंट में भी। जबकि हालांकि गाड़ी में चारों डिस्क ब्रेक्स हैं बेस वेरिएंट से ही एज अ सेफ्टी फीचर। इसके अलावा कोई साइड फुट स्टेप वगैरह भी नहीं है। बात करते हैं रियल लुक की अब इसमें, तो रियल लुक में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, सेम यूजुअल वही ब्रांडिंग XUV700 की, और वही टेल लैंप्स, वही पूरा शीशा, वही पूरा गाड़ी का टेल गेट, सब कुछ वही है। और ये साइड से लुक पूरी गाड़ी ब्लैकआउट कर दी गई है, बट कुछ चेंज नहीं है। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ, ये जो भी गाड़ी लवर्स हैं। सो इससे क्या होगा, हमारी ऑडियंस की रीच जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो इन फ्यूचर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।